मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आवास हमें कराता है। जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है उनके लिए ना तो आत्मज्ञान है और ना ही आत्मबोध। आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं और शांति के बिना सुख नहीं हो सकता। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और ना ही कहीं और। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। बिना मतलब कि कोई आपसे रिश्ता नहीं रखेगा, इसलिए अपने पास कुछ ऐसा बचा कर रखिए कि लोगों से पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं तो संसार की सबसे बड़ी समस्या यूं ही हल हो जाएगी। वृक्ष कभी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए पुष्प के सृजन में लगा रहता है। इसलिए जीवन में क्या कुछ खो गया इसे भूलकर नए सृजन में मन लगाना चाहिए। जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सही मायने में महान होता है। जो इंसान किसी वस्तु या किसी काम के बारे में नित्य चिंतन करता है वह एक दिन उसे प्राप्त कर ही लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं और जब तर्क ही नष्ट हो जाएं तब मनुष्य का पतन निश्चित है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि वक्त से सीखा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक।